हेलो एवरीवन, आज मैं जन्माष्टमी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। मैंने एक बॉल में छोटा वाला साबूदाना लिया है, उसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब एक पैन में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। दूध जब थोड़ा बॉयल हो जाए तो उसमें हम साबूदाने को डाल देंगे। ये छोटा वाला साबूदाना है, इसे पकने में टाइम नहीं लगता है, आप छोटा बड़ा जो भी मिले वो ले सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाला है और चीनी डाल दिया है। साबूदाने हमारे पक गए हैं, अब मैं उसमें कटा हुआ आम डाल रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है मैंने। ये तुलसी पत्ता डाल दिया है मैंने। अब एक कढ़ाई में मैंने मखाना लिया है, जो कम से कम एक बड़ी कटोरी है, इसे हम भून लेंगे। उसे मैंने मखाने को मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक डाल दे रही हूँ एक बड़ी कटोरी मूंगफली, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसका छिलका निकल जा रहा है, ये भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब मखाने ठंडे हो गए हैं, एक मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। अब मूँगफली भी ठंडी हो गई है, उसे भी मैं दरदरा पाउडर बना लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं नारियल का बुरादा थोड़ा सा एक दो मिनट मैंने उसे फ्राई किया है। अब एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ एक कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी। इसे मेल्ट होने के बाद हमें ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाने के बाद हमें थोड़ा सा पका लेना है। एक प्लेट को मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है, मैंने इसमें एक चम्मच घी भी डाला है। देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जितने सारे पीसे हुए थे हमारे बादाम और मखाना और नारियल पाउडर, सभी मैं इसमें डालकर मिला रही हूँ। मिल जाने के बाद हम ग्रीस किए हुए प्लेट पे निकाल लेंगे। इसे अच्छे से हम फैला देंगे। फैलाने के बाद मैं एक चम्मच से इसे सेट कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा किशमिश और कटे हुए बादाम डालकर मैं इसे गार्निश कर दूँगी। ये आधे घंटे में सेट हो जाएंगे। जन्माष्टमी का भोग बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये देखिए अभी आधे घंटे नहीं हुए हैं, फिर भी मैं काट के दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे बने हैं, आप एक बार ज़रूर बनाएं इसे।